हेलो गाइस, मूवीज सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद ड्यून का पार्ट 2 फाइनली रिलीज हो चुका है और ये न सिर्फ पार्ट 1 की कहानी को आगे बढ़ाती है बल्कि खुद को और भी एलिवेट करती है, जिससे ये मूवी सिनेमा हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट सीक्वल मूवी कहलाएगी। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा ड्यून के पार्ट 2 को और इसका इन डेप्थ एनालिसिस आप सभी के साथ शेयर करूंगा। हमेशा की तरह शुरू करते हैं मूवी के बेसिक प्रीमाइस से। तो कहानी शुरू होती है पार्ट 1 के एंड से, जहां पॉल रियनाइट होता है शानी और फ्रेमेन लोगों के साथ, जहां उसका गोल है उन कॉन्स्पिरेटर से बदला लेना जिन्होंने उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया। मूवी रेटेड है PG-13, तो आप इसे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो अगर वो इस तरह की मूवीज को एंजॉय करते हैं। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को पार्ट 1 से कंप्लेंट थी कि मूवी बहुत स्लो पेस पर चलती है, पर मूवी का मेजॉरिटी पार्ट सेटअप में बीत जाता है और ये जरूरी भी था क्योंकि ड्यून का वर्ल्ड काफी ही वास्ट और इसमें बहुत कुछ चल रहा है। बाय द वे, अगर आपको पार्ट 1 का रीकैप देखना हो तो आप ऊपर फ्लैश हो रहे लिंक पर क्लिक कर सकते हो। खैर, ड्यून के पार्ट 2 पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पार्ट 1 में एस्टेब्लिश कहानी को लेकर उसे और भी एलिवेट करे और जिन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी है उनको स्पेशली एक अच्छा पे ऑफ दे ताकि लोगों को इससे एक सेटिस्फेक्शन हो, और पार्ट 2 हर उस प्रॉमिस पर डिलीवर करता है। तो सवाल उठेगा कि क्या मूवी फर्स्ट पार्ट जितनी कॉम्प्लेक्स है? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। हाँ, इसमें जो डिटेलिंग और वर्ड्स चॉइसेस ली गई हैं वो नॉर्मल व्यूअर्स को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर स्टोरी में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और ये मुझे बात काफी अच्छी लगी। पहला पार्ट जहाँ बिल्डअप पर ज्यादा फोकस करता है, इस पार्ट में हमें काफी सारा एक्शन भी देखने को मिला। मूवी के एक्शन सीक्वेंस, स्पेशली वार्म एक्शन और वो 1-on-1 फाइट सीक्वेंस बिल्कुल परफेक्ट और ब्यूटीफुली क्राफ्टेड थे। पर सिर्फ एक्शन ही नहीं, ड्यून 2 अपनी फिलोसफिकल आइडियाज रिलीजियस थीम के साथ भी काफी अच्छे से बैलेंस बनाकर चलती है। चाहे पॉल के अंदर चल रहे थॉट्स हो या फिर उसके आगे रेस करे हुए क्वेश्चंस कि क्या पॉल में सच में वो मसाया है या नहीं, ये सब कुछ बिल्कुल ब्यूटीफुली बैलेंस्ड है। मूवी 2.5 घंटे से ऊपर की है और मूवी की पेसिंग स्लो है, पर वो स्लो फील नहीं होती। मूवी को स्ट्रक्चर ही ऐसा किया गया है कि आपको बोरियत फील नहीं होगी। एक बात जो मुझे मूवी की काफी अच्छी लगी कि वो इसकी पेसिंग को बेटर करने के लिए हमें जंप कट्स नहीं दिखाते। अगर मूवी की कहानी एक लोकेशन पर है तो हम उस लोकेशन पर टाइम बिताते हैं, जिससे हम हमारे कैरेक्टर से भी कनेक्ट करते हैं और उनके साइकोलॉजिकल जर्नी को फील कर पाते हैं। मूवी का फर्स्ट और सेकेंड एक्ट कहानी को बिल्ड करने में अच्छे से बैलेंस बनाकर चलता है और इसमें आई सीक्वेंसेस लीड करते हैं थर्ड एक्ट में, जो कि एक काफी ही सेटिस्फाइंग और एपिक फिनाले था। हाँ, एंड में कुछ ऐसी चीजें जरूर छोड़ी गई हैं जिससे एक और मूवी सेट होती है, जो कि डायरेक्टर डेनी विल्नीव ने कंफर्म भी करी है। पार्ट 1 को लेकर एक बात जिस पर सभी एग्री करेंगे कि वो मूवी टेक्निकली तो फ्लॉलेस थी और समहाउ डायरेक्टर पार्ट 2 में उस सब को आउटडू करते हैं। मूवी में एक पूरा सीक्वेंस ब्लैक एंड व्हाइट में है और वो सीन मूवी को ग्रैंड और मैग्निफिसेंट फील करवाता है। मूवी को IMAX पर देखना बिल्कुल वर्थ इट है क्योंकि इसकी सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग और इसका बैकग्राउंड स्कोर बने ही है बड़ी स्क्रीन पर विटनेस करने के लिए। बात करूं टिमोथी शैलेमे की कैरेक्टर पॉल की, तो मुझे उनका कैरेक्टर पार्ट 1 से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और ये साईफाई मूवीज का वन ऑफ द बेस्ट जर्नी होगी जो मैंने आज तक देखी है, जो कि पार्ट 1 को सरपास ही नहीं करती बल्कि उसे और भी ज्यादा बेटर बनाती है। इतने सालों का जो इंतजार मूवी को लेकर था, मूवी का हर फ्रेम उसे पूरा वर्थ इट बनाता है और कुछ सीक्वेंस के टाइम मैं बस ओ में रह गया था। बात करूं मूवी की सपोर्टिंग कास्ट की, तो ज़ेंडाया मूवी में काफी ही अमेजिंग थी। मैंने उन्हें बिग स्क्रीन पर पहली बार इतना स्ट्रॉन्ग देखा है और चानी की जनरी थ्रू आउट द मूवी रिमार्केबल थी। रेबेका फर्गसन एज लेडी जेसिका एट टाइम्स हॉन्टिंग थी, जिन्हें देखकर आपको स्क्रीन पर डर लगेगा। इनका परफॉर्मेंस काफी ही ज्यादा इंटेंस था। हावियर बारडेम का कैरेक्टर भी काफी स्पेसिफिक पार्ट प्ले करता है पॉल की जर्नी में, और मूवी में वो थोड़ा थोड़ा बीच में ह्यूमर भी ऐड करते हैं जिससे मूवी में थोड़ा लाइटनेस आती है। मेरे लिए पूरी कास्ट में जो स्टैंड आउट करते हैं वो है ऑस्टिन बटलर। आई जस्ट लव्ड कि उनका विलेनेस, साइकोटिक ब्रूटल परफॉर्मेंस मूवी को काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल लेकर जाता है। इतना पावरफुल और मैनेसिंग विलन प्ले करके उन्होंने मेरे लिए सभी एक्टर्स को इस मूवी में आउटशाइन कर दिया। इसके अलावा क्रिस्टोफर वॉकिन और फ्लोरेंस प्यूक का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, और मूवी की कास्टिंग इतनी परफेक्ट है कि सभी एक्टर्स ने उनके कैरेक्टर्स को जिंदा करके हमें उनका एक एक इमोशन फील करवाया है।
आऊं मैं मूवी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर, तो मूवी में जो वर्ल्ड बिल्ड किया गया है वो काफी ही गॉर्जियस है। इसके साथ हांस ज़िमर का बैकग्राउंड स्कोर हमें ड्यून के वर्ल्ड में ही ट्रांसपोर्ट कर देता है, जहां 3 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ओवरऑल मूवी को लेकर मैं अपने फाइनल थॉट्स बताऊं तो ड्यून पार्ट 2 एक ऐसा सीक्वल है जो अपने प्रीडिसेसर को आउटशाइन करता है और उसे और भी ज्यादा बेटर बनाता है। मूवी में कोई फ्लॉ है ही नहीं। इसकी स्टोरी, इसकी पेसिंग, बिग स्क्रीन पर दिखाए गए विजुअल्स और हांस ज़िमर का स्कोर बिल्कुल परफेक्ट है। एक्टर्स का शानदार परफॉर्मेंस और डेनिस विल्नेव का डायरेक्शन ये मूवी को साईफाई जॉनरा की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी बनाता है, और इसे देखने के बाद आपके दिल में एक सुकून की फीलिंग होती है, जिसके बाद आप थिएटर से बाहर सिर्फ अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर निकलते हो। तो ये था मेरी तरफ से ड्यून के पार्ट 2 को लेकर एक रिव्यू। अब आपने अगर मूवी देख ली है तो आप अपने थॉट कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।